नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जिनको बरसों से कमर दर्द होता है या गर्दन का दर्द होता है और वो बोलते हैं कि सर सब दवाई ले ली है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमने चेंज कर लिए है और सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, अभी तो हमें कंटाला आने लगा है ये दर्द से और हमें लग रहा है कि हमें डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन इससे हमें छुटकारा चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये कमर दर्द और डिप्रेशन का कोई लेना देना है या लिंक है या नहीं है। तो दोस्तों, इन दोनों का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। अगर कमर दर्द लंबे टाइम तक रहता है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो 10 मरीज़ अगर देखे जाए तो उसमें से 5 से 6 मरीज़ को डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। डिप्रेशन होने के कारण इन टर्न क्या होता है कि आपकी जो बैक पेन, कमर दर्द सहन करने की कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है और उसके कारण आपका मूड और ख़राब होने लगता है, आपको और कमर दर्द होता है। बेसिकली ये जो एक विशियस साइकिल बन जाती है और उसके कारण आपका मूड और ख़राब रहने लगता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये कमर दर्द जो हो रहा है उसके कारण डिप्रेशन हो रहा है। तो दोस्तों, जब भी लंबे टाइम कमर दर्द रहता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे काम में कंटाला आने लगा है या फिर आप जल्दी से थक जाते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, मतलब कि आपको रात को नींद बराबर नहीं आ रही है, सुबह उठ के भी आपको फ्रेश महसूस नहीं हो रहा है या फिर आपकी भूख कम होने लगी है, तो ये सब माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स है। आपको डेफिनेटली ये कमर दर्द के लिए और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी साइकाइट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। दूसरा, अगर आपने 10-15 डॉक्टरों को दिखा दिया है, सबका कहना ये है कि आपका एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन सब कुछ नॉर्मल है, तो इसमें कुछ अलग नहीं मिलने वाला है कि हम और कोई डॉक्टर चेंज करेंगे तो उसमें कुछ अलग डायग्नोसिस आ जाएगा। 10-15 डॉक्टर ने अगर कहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, मतलब अंदर कोई ऐसी ग्रॉस पैथोलॉजिकल बीमारी नहीं है, तो इसमें से ऊपर आने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो आप चलना शुरू करिए। आपको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, मतलब कि आप रोज़ सुबह उठ के 6 बजे आप आधा घंटा चलने के लिए जाइए और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा 10-15 मिनट जॉगिंग करिए। तो इससे क्या होता है कि जो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, सीरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है, इसका लेवल बढ़ता है, ये नॉर्मलाइज होता है। तो इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। आप सिर्फ 1 महीने के लिए ये ट्राई करिए, आपका मूड अच्छा रहने लगेगा, आपकी इंटर्न बैक पेन सहन करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी और इसमें से आप जल्दी ऊपर आने लगेंगे। और साथ ही साथ में आपके किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट ने जो भी कमर की या गर्दन की एक्सरसाइज बताई हुई है ये आप करिए। तीसरा, आप अपना विटामिन B12 और D3 लेवल चेक करा सकते हैं, क्योंकि अगर B12 लेवल कम है तो इससे भी डिप्रेशन हो सकता है, इससे कमर दर्द भी हो सकता है, तो वो भी आपको नॉर्मलाइज रखना चाहिए। और लास्टली, आपको प्राणायाम और योगा की हेल्प लेनी चाहिए, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स रहेगा और आपका ध्यान आपके काम में रहेगा, आपको भूख अच्छी लगेगी, रात को नींद भी अच्छी आएगी। तो ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है कि अगर आपके कमर दर्द के या गर्दन के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपको माइल्ड डिप्रेशन से ऐसा हो रहा है, तो आप उसमें से ऊपर कैसे आ सकता है? आप ये सब कुछ ट्राई करिए और आपको अगर हेल्प मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको हेल्प मिल रही है। धन्यवाद।